फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको स्प्लिट एसी का गैस रिकवर कैसे करते हैं हंड्रेड परसेंट गैस कैसे रिकवर करेंगे उसको पम्प डाउन कैसे करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं तो वीडियो में एंड तक बने रहें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो है वन परसेंट भी है वन पी जी भी गैस जो है रिलीज़ नहीं होगा अगर ये ट्रिक आप सीख जाएँगे तो, तो वीडियो में एंड तक बने रहें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो यहाँ पे आप देख पा होंगे सैमसंग का स्प्लिट एसी लगा हुआ है ये टू टन का सैमसंग का इंडोर यूनिट है तो सबसे पहले मैं आपको इंडोर यूनिट दिखा देता हूँ और उसके बाद से मैं ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ तो यूनिट देख पा रहे होंगे यूनिट काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी क्यूट मॉडल इसको बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा है खूबसूरत है दिखने में लेकिन ये बहुत ही हार्ड है इसको अगर ग्रिल ओपन करना है तो या फिर इसको डिसमेंटल करना है तो बहुत ही हार्ड है तो उस उसके बाद से जो है हम आ, क्या करेंगे कि सबसे पहले एसी को चालू कर लेंगे और इसका टेम्परेचर सिक्सटीन रख लेंगे और कूल मोड में इसको डाल लेंगे कूल मोड में इसका मोड चेंज करके कूल मोड में रख लेंगे देख पा रहे होंगे ए को चालू कर लेना है उसके बाद से आपको आउटडोर पे चले जाना है आउटडोर पे आपको आउटडोर स्टार्ट होने का वेट कर लेना है तो मैं आउटडोर पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो है आउटडोर जो है स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट आप देख पा होंगे मेरा जो है आउटडोर है स्टार्ट हो चुका है आउटडोर जो है चल रहा है उसके बाद से आपको जो है डेड कैब जो है सक्सन का और डिस्चार्ज लिक्विड लाइन का आपको डेड कैप जो है वो ओपन कर लेना है और उसके बाद से जो है जो चार्जिंग का पोर्ट है उसको भी ओपन कर लेना है और गेज लगा लेनी है आपको सक्सन लाइन में गेज लगा लेनी है गेज लगा लेना है आपको याद रख के और उसके बाद से जो आपको जो है इसका वॉल है सक्सन का और लिक्विड लाइन का उसको चेक कर लेना है कि कौन सा एलंकी लगेगा पहले से सब कुछ रेडी रख लेना है तो सर्विस पोर्ट को हम ओपन कर लेंगे और सर्विस पोर्ट को ओपन करने के बाद जो है इसमें गेज का एक लाइन लगा लेंगे चार्जिंग लाइन लगा लेंगे इसमें जो है आर ट्वेंटी टू का फ्री ओन है तो हम इसका जो है देख पा रहे हैं हो मैं चार्जिंग लाइन लगा लेता हूँ इसके चार्जिंग पोर्ट पे मैं चार्जिंग लाइन लगा लेता हूँ और गेज में इसका प्रेशर भी चेक कर पाएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सक्शन लाइन पे जैसा कि मैंने चार्जिंग को लगा लिया और गेज में इसका प्रेशर आप देख पा रहे अराउंड जो है अप्रोक्स जो है इसमें सेवेंटी पी है आपका जो फ्री ओन है आप देख पा रहे होंगे तो आपको क्या करना है लिक्विड लाइन के जो जो यहाँ पर देख पा रहे हो वॉल लगा हुआ है लिक्विड लाइन का उसको लूज कर लेना है और सक्शन लाइन का भी लूज कर लेना क्योंकि आपको जल्दी से इसको बंद करना होता है इसीलिए लूज कर लेना है पहले ही दोनों लिक्विड लाइन के वॉल को और सक्शन लाइन के वाल को उसके बाद आपको एलंकिंग की मदद से लूज कर लेना है उसके बाद से सबसे पहले आपको लिक्विड लाइन को बंद कर लेना है लिक्विड लाइन को बंद करते समय आपको जो है आपको गेज पे भी ध्यान देना है जैसे गेज का प्रेशर देख पा रहे जैसे गैस का प्रेशर डाउन हो रहा है जैसे ये जीरो होगा जैसे इसका प्रेशर गेज पे क्योंकि गेज जो है सक्शन लाइन पे लगा हुआ है तो गेज का प्रेशर जैसे ही ज़ीरो होगा आपको तुरंत जो है सक्शन लाइन को बंद कर लेना है सक्शन लाइन के वॉल को बंद कर लेना है तो इससे क्या होगा आपका जीरो होने के बाद अगर बंद करेंगे तो आपका हंड्रेड जो है गैस रिकवर होगा क्योंकि एक मेरे जो व्यूवर ने कमेंट करके बोला था कि गेज लगा कैसे अप डाउन करेंगे इस पर वीडियो बनाइए इसीलिए मैंने इसको बनाया हुआ तो आपको सक्शन लाइन को अच्छे से बंद कर लेना इसके वॉल को अच्छे से बंद कर लेना उसके वास्ते आपको पावर ऑफ कर देना है तो इस तरीके से आप आ, आ, आसानी से जो है पम्प डाउन कर सकते हैं उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू